हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेनरी। आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जीके 2022 के थर्ड एपिसोड में स्वागत है। जो ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो सभी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। चाहे वो आपका आईसीआर, एसआरएफ या जेआरएफ का एग्जाम है, जिसमें भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, या आपका एएसआरबी एओ का एग्जाम है जिसका कि अभी नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए भी ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो हमारी जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एमसीक्यू सीरीज है, वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जिसमें जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो सभी। और या तो वो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं प्रीवियसली, या उनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप प्लीज स्टे ट्यून विद सिंसिया ब्रेनरी, और जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथ में, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर का थर्ड एपिसोड है 2022 का। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि ये बताया गया कि भारत का मिलेट एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, जिसका राइट आंसर है आपका डी, फिफ्थ। इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट थी, इसमें ये बताया गया कि अकॉर्डिंग टू 2020 डाटा, जो भारत जो है दैट इज फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें मेजर एक्सपोर्टर्स की मिलेट की, तो जो मेजर एक्सपोर्टर हैं मिलेट्स के वर्ल्ड में, वो है यूएसए, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, चाइना, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड एंड अर्जेंटीना। तो जो टॉप थ्री इंपोर्टर हैं, अगर हम इंपोर्टर की बात करें मिलेट्स की फ्रॉम द इंडिया, भारत जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। और इंपोर्ट की बात करें, जो भारत से जो मिलेट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वो मेन डेस्टिनेशन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप थ्री इंपोर्टर हैं मिलेट्स के फ्रॉम इंडिया, वो हैं आपके नेपाल, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो ये तीन जो कंट्री हैं, दे आर द मेजर इंपोर्टर्स ऑफ मिलेट्स फ्रॉम इंडिया, नेपाल, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। और इंडिया जो है, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। प्रोडक्शन की बात करें तो मिलेट प्रोडक्शन में भारत जो है वो वर्ल्ड का लीडर है, और जिसका शेयर कितना है, अराउंड 41% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन इन 2020। 2020 में जो टोटल मिलेट की प्रोडक्शन थी वर्ल्ड में, उसका 41% अकेला जो वो भारत में प्रोड्यूस किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, और एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में मिलेट्स का। और अगर हम बात करें एनुअल प्रोडक्शन की, तो एनुअली इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है 12 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मिलेट्स पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल कैरेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो इंटरनेशनल कैरेट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका राइट आंसर है आपका बी, 4 अप्रैल को। तभी रिसेंटली इंटरनेशनल कैरेट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 4 अप्रैल को। ये जो 4 अप्रैल है, इंटरनेशनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज कैरेट डे। क्यों? टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट एडिबल रूट कैरेट। तो ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मेन मोटो क्या है कैरेट डे का, कि जो कैरेट जो आपको पता है एक बहुत ही न्यूट्रिशियस रूट वेजिटेबल है, जो कि रिच इन विटामिन ए है, लाइकोपीन है या दूसरे मिनरल कंपाउंड्स होते हैं, इसमें बहुत ही रिच होती है। तो उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो कैरेट डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 अप्रैल को, इंटरनेशनल कैरेट डे। और सबसे पहले ये सेलिब्रेट किया गया था कब, 2003 में, टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कैरेट्स एंड देयर बेनिफिशियल कंपाउंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज, PR131 इज ए न्यू वैरायटी ऑफ डैश रिलीज्ड बाय PAU लुधियाना। PR131 जो है वो किसकी नई वैरायटी है, जो कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना ने रिलीज की रिसेंटली, जिसका राइट आंसर है आपका ए, राइस की। PR131 जो है परमल राइस की वैरायटी है, जो कि अभी रिसेंटली PAU लुधियाना जो है उन्होंने रिलीज की। आप देख सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, दे हैज प्रोड्यूस द PR131, जो कि एक परमल राइस की वैरायटी है, जो कि वेरी हाई यील्डिंग है, लॉजिंग के लिए टॉरेंट है, और रेजिस्टेंट है कौन कौन सी डिजीज के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। बैक्टीरियल ब्लाइट जो वो एक बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है राइस की,
तो उसके लिए भी ये वैरायटी जो वो बहुत ही रेजिस्टेंट है और लॉजिंग के लिए भी टॉरेंट है। अगर हम मेच्योरिटी की बात करें तो ये वैरायटी जो है वो लगभग 110 डेज में मेच्योर हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद। और इसके अगर हम ग्रेन की बात करें तो वो लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन्स होते हैं जो कि क्लियर एंड ट्रांसलूसेंट ग्रेन्स होते हैं विद हाई टोटल एंड हेड राइस रिकवरीज। एंड ये जो वैरायटी है इट इज आल्सो रेजिस्टेंट टू 10 प्रेजेंटली प्रेविलेंट पैथोटाइप्स ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट पैथोजन इन द पंजाब स्टेट। तो पंजाब स्टेट में जो 10 पैथोटाइप हैं इस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के, तो उन सभी के लिए जो ब्राइटी है ये रेजिस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट ब्राइटी है PR131 जो कि अभी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना ने रिलीज की। नेक्स्ट इज द MSP ऑफ रॉ जूट फॉर 2022-2023 इज फिक्स्ड एट RS पर क्विंटल। अभी रिसेंटली जो रॉ जूट है उसका मिनिमम स्पॉट प्राइस जो वो फिक्स किया गया भारत ईयर 2022-23 के लिए। तो वो कितना फिक्स किया गया, तो इसका राइट आंसर है आपका ए 4,750 रुपीज पर क्विंटल। तो आप देख सकते हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, CCEA जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने अप्रूव किया मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर द रॉ जूट कॉन्सेशन के लिए 2022-23 के लिए कितना, 4,750 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। और ये तो 2022-23 की सीजन के लिए है और जो कि हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के ऊपर इसमें लगभग 250 रुपीज का इंक्रीज किया गया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर की बजाय 250 रुपए इसमें बढ़ाए गए हैं, इंक्रीज किए गए हैं। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस 2022-23 के लिए रोजूट के लिए कितना फिक्स किया गया, 4,750 रुपए पर क्विंटल फॉर द ईयर 2022-23। नेक्स्ट इज सैफ्रन बॉल ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन सी प्लेस है जिसको हम सैफ्रन बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसका राइट आंसर है आपका ए कश्मीर। जो आपका कश्मीर का रीजन है दैट इज नोन एज सैफ्रन बॉल ऑफ इंडिया। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, तो आप देख सकते हैं कि सैफ्रन बॉल विच वाज सो फार कन्फाइंड टू कश्मीर एक्सपेंडिंग टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। मेनली जो आपका कश्मीर रीजन है उसको सैफ्रन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, बट अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको नॉर्थ ईस्ट तक एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहां पे भी सैफ्रन कल्टीवेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इसके लिए क्या किया गया, जो प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कश्मीर टू द सिक्किम एंड एक्लिमेटाइज्ड देयर आर नाउ फ्लावरिंग इन यांगयांग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो देख सकते हैं कि जो कश्मीर से इसके प्लांट ट्रांसपोर्ट किए गए सिक्किम रीजन को, ठीक है, और वहां पे अभी ये फ्लावरिंग में है जो सैफ्रन के प्लांट्स है, नाउ दे आर इन द देवर इन द फ्लावरिंग मींस दे कम इनटू द फ्लावरिंग, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सैफ्रन जो केसर जो स्टिग्मा जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो उसका स्टिग्मा होता है फ्लावर में, तो वहां उससे ड्राई करके जो केसर बनाया जाता है, सैफ्रन बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफी ज्यादा स्कोप है सैफ्रन का। तो अब यही कोशिश की जा रही है कि सैफ्रन बॉल जो कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक एक्सपेंड किया जा सके, ठीक है। तो कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में पर्टिकुलरली जो पेम्पोर रीजन है इन इंडिया कॉमनली नोन एज सैफ्रन बॉल ऑफ कश्मीर, कश्मीर में भी पर्टिकुलरली कश्मीर क्या हो गया सैफ्रन बॉल ऑफ इंडिया। अगर हम पर्टिकुलरली कश्मीर में बात करें तो पेम्पोर रीजन जो है दैट इज सैफ्रन बॉल ऑफ कश्मीर, दिस इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द सैफ्रन प्रोडक्शन फॉलोड बाय बडगाम श्रीनगर एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है कश्मीर में, पर जो मेन डिस्ट्रिक्ट है दैट इज योर पेम्पोर रीजन। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच जो NECTAR है, जो कि अंडर जो कि एक इंस्टीट्यूट है अंडर द जो DST इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो अंडर द सैफ्रन बॉल प्रोजेक्ट दे हैव आइडेंटिफाइड द न्यू लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में फॉर द सैफ्रन कल्टीवेशन के लिए। तो उन्होंने अभी जो अरुणाचल प्रदेश है अदर देन सिक्किम के अलावा जो दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, वहां पे सैफ्रन कल्टीवेशन के लिए न्यू लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की है। एंड इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 17.6 लाख जो है वो कॉस्ट है फॉर द अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया कल्टीवेट्स अबाउट 6-7 टन्स ऑफ सैफ्रन व्हाइल द डिमांड इज 100 टन। तो आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग 6-7 टन प्रोडक्शन है सैफ्रन की एनुअली, जबकि डिमांड कितनी है 100 टन की। तो आप देख सकते हैं अभी भी कितना ज्यादा स्कोप है सैफ्रन कल्टीवेशन के लिए इंडिया में।
तो हम कितनी ज्यादा मार्केट जो वो इसकी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ सैफरॉन, तो इसीलिए इस जो ग्रोइंग डिमांड है सैफरॉन की, उसी को पूरा करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, दे आर नाउ लुकिंग एट एक्सटेंडिंग इट्स कल्टिवेशन टू सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि सिक्किम की बात की हमने, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए वहां पे जो न्यू लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की जा रही है अंडर द सैफरॉन बॉल प्रोजेक्ट, ताकि हम सैफरॉन की कल्टीवेशन, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सके और उसकी डिमांड को पूरा कर सके। क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, जो क्लाइमेटिक है, जियोग्राफिकल कंडीशंस है, वो बहुत ही सूटेबल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। दे आर लाइक कश्मीर रीजन, जो जिसके कारण जो सैफरॉन की कल्टीवेशन वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत ज्यादा पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैज टच्ड द हिस्टोरिक हाई ऑफ $1 billion इन 2021-2022। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि कहा कि भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, ठीक है, दैट हैज टच्ड अ हिस्टोरिक हाई वैल्यू, मतलब हिस्ट्री में पहली बार इतना ज्यादा वैल्यू का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। तो एक हम कह सकते हैं जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, जो हमारा अन्नदाता है, उनकी ही मेहनत का ये जो फल है, हम कह सकते हैं कि जो भारत ने ये हिस्टोरिक हाई वैल्यू टच की है। तो वो कितना बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया इंडिया ने 2021-22 में, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, $50 billion। तो आप देख सकते हैं कि इंडियाज लैंडमार्क अचीवमेंट इन एग्री एक्सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने एक डाटा रिलीज किया कि जो इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है डेट हैज टच्ड ए हिस्टोरिक हाई वैल्यू ऑफ $50 billion इन 2021-2022। 2021 में भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो कितना था, $50 billion, जो कि हिस्टोरिकली हाईएस्ट एवर है अभी तक का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो। एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल एवर अचीव्ड इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड दिस वाज अप 20% ऑन द ईयर, और लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो ये 20% ज्यादा था इस साल। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट COVID-19 का क्राइसिस था, तो COVID-19 में हर इंडस्ट्री जो वो रुक गई थी, बट एक एग्रीकल्चर ही एक अलोन ऐसा सेक्टर था जो कि कंटिन्यूसली चलता रहा और जिसने देश की इकोनॉमी और देश के जो लोग हैं उनको सर्वाइव करने में हेल्प किए, और रेदर इंडिया ने और भी दूसरी कंट्रीज को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया, चाहे वो राइस था, चाहे वो वीट था। तो और अभी रिसेंटली आपको पता जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, अब हमें पता जो यूक्रेन जो है उसको कहा जाता है वीट बॉल ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप का वीट बॉल कहा जाता है यूक्रेन को, बट रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पे भी जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जो डिमांड है जो भीट की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उस दौरान भी द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया फॉर द सप्लाईज ऑफ भीट एंड अदर फूड ग्रेन्स। तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ तो उस दौरान भी होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो भारत की तरफ देख रही है फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू मीट देयर डिमांड। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कितना स्कोप है, और जो हमारा अन्नदाता है उनका कितना बड़ा रोल है इस जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी ग्रोथ में। आप देख सकते हैं कि द हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट हैव बीन अचीव्ड फॉर द आइटम्स लाइक राइस की अगर हम बात करें तो $9.6 billion का एक्सपोर्ट किया गया, बीट की बात करें तो $2.19 billion का, सुगर की बात करें तो $4.6 billion, और अदर सीरियल की बात करें तो $1.08 billion का। अगर हम मरीन प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट डेट आल्सो रीच द हाईएस्ट एवर, कितना $7.7 billion का मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया गया। अगर हम स्पाइसिस की बात करें तो स्पाइसिस का एक्सपोर्ट जो है डेट टच टू ए फिगर ऑफ $4 billion। नेक्स्ट इज बिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड जीवा प्रोजेक्ट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन 2022। अभी आपको पता होगा कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसके लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बहुत एडमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए। तो अभी रिसेंटली एक जीवा प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च किया गया नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इन 2022 में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये जीवा प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च किया, इसका राइट आंसर है आपका बी, नाबार्ड ने। तो आप देख सकते हैं कि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने ये जो जीवा प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया 9 फरवरी को, ठीक है, दैट दे लॉन्च्ड एन एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम जीवा डेट विल प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड बर्डी प्रोग्राम्स इन 11 स्टेट्स।
ऑलरेडी एक इसका प्रोग्राम चल रहा है वाटरशेड का, वाटरशेड ने बड़ी प्रोग्राम जो है 11 स्टेट्स में, तो उसके अंडर ये जो जीवा प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया नाबार्ड के द्वारा। किस लिए? मेन एम जो है जीवा प्रोग्राम का मेन एम क्या है? टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग। और किसके अंडर है? नाबार्ड के अंडर है, ये याद रखना आप। जीवा प्रोग्राम नाबार्ड का है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। कब लॉन्च किया गया? 2022 में। आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में लगभग 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। एंड द जीवा प्रोग्राम इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ए पायलट बेसिस पे, इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द 25 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 11 स्टेट्स कवरिंग द 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। अभी इसको पायलट बेसिस पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 11 स्टेट्स में, ठीक है, आगे टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग। और नाबार्ड विल इनिशियली कोलेबोरेट, इसके लिए जो नाबार्ड है डेट विल कोलेबोरेट विद CSIRO, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इंस्टीट्यूट है, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ नाबार्ड जो है वो इनिशियली कोलेबोरेट करेगा। किस चीज के लिए? फॉर द सिंपल सॉइल वाटर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, सॉइल वाटर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए CSIRO के साथ कोलेबोरेट करेगा और ICAR के साथ कोलेबोरेट करेगा फॉर द रिसर्च सपोर्ट के लिए, फॉर द साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। तो जीवा प्रोग्राम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और उसकी जो साइंटिफिक वैलिडेशन है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए ICAR के साथ कोलेबोरेट करेगा। सिंपल सॉइल वाटर मॉनिटरिंग के लिए CSIRO के साथ कोलेबोरेट करेगा जो नाबार्ड है। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क। जो एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, तो जो कृषि नेटवर्क है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है आपका बी, पंकज त्रिपाठी को। तो आप देख सकते हैं जो कल्टीनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी है, जिन्होंने एक एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क स्टार्ट की है, तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है इन्होंने किसे चूज किया है? पंकज त्रिपाठी को उन्होंने इसका ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी जो है ही हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का, ओके। और ये जो ऐप है अभी इनिशियली ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? हिंदी, मराठी, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में अभी ये अवेलेबल है, और अभी रिसेंटली जल्द ही दूसरी लैंग्वेज में भी ये ऐप जो है अवेलेबल हो जाएगी। और ये जो कृषि नेटवर्क ऐप है ये क्या करती है? इट प्रोवाइड इंडियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है भारत में मेनली जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट एक्सेस, क्वालिटी इनपुट के बारे में नॉलेज देती है, और साथ में जो इंडियन फार्मर्स हैं दे कैन आल्सो इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मर्चेंट हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड परचेजर हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो सभी फैसिलिटी जो है वो इस ऐप के द्वारा दी जाती है जो कृषि नेटवर्क ऐप है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वर्णा सुरक्षा इज ए ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ डैश सूटेबल फॉर द रेनफेड कंडीशन। स्वर्णा सुरक्षा जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है जो कि रेनफेड कंडीशन के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो ये किस क्रॉप की ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है? तो जो स्वर्णा सुरक्षा है ये किसकी वैरायटी है? इसका राइट आंसर है आपका सी, फैवा बीन। फैवा बीन जो है जिसको हम बाकला बीन भी कहते हैं हिंदी में, तो ये इसकी वैरायटी है स्वर्णा सुरक्षा, जो कि ड्रॉट टॉलरेंट है और रेनफेड कंडीशन के लिए सूटेबल है। अगर हम इसकी बात करें स्वर्णा सुरक्षा ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ये जो वैरायटी है ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना, इनके द्वारा ये वैरायटी डेवलप की गई है। फेवाबीन की वैरायटी है, फेवाबीन को हम ब्रॉडबीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वैरायटी है वो ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है विच इज सूटेबल फॉर द रेनफेड कंडीशन, राइट। और इसकी सीड यील्ड कितनी है? 2.5 टू 3.1 टन पर हेक्टेयर इसकी सीड यील्ड है, और अर्ली मेच्योरिंग टाइप ही है, लगभग 110 से 115 दिन में ये मेच्योर हो जाती है। और ये जो वैरायटी मॉडरेटली रेजिस्टेंट भी है जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट है, जो लेग्यूम वेजिटेबल्स के जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। और दूसरी बात, ये जो वैरायटी है न्यूट्रिशनली भी बहुत सुपीरियर है, क्योंकि इसमें जो फाइटेट कंटेंट है बहुत कम है, लेस देन 0.1% है। और अगर हम आयरन की बात करें डेट इज मोर देन 200 ppm इसमें आयरन कंटेंट है। और ये सेमी बुश टाइप वैरायटी है और इसके शॉर्ट बोल्ड ग्रेन्स होते हैं, जिसमें कि लगभग 1000 सीड में इतने, अगर हम बात करें टेस्ट वेट जिसको हम 1000 सीड वेट भी कहते हैं, तो 1000 सीड में अगर हम बात करें तो 270 ग्राम जो है इसका 1000 सीड वेट है, ठीक है। पोड लेंथ की बात करें तो 4 टू 4.5 सेंटीमीटर के पोड्स होते हैं। और स्वीटनेस की बात करें तो जो TSS होती है मैच्योर सीड्स में डेट इज 10.9 डिग्री ब्रिक्स इसमें TSS होती है। तो एक न्यूट्रिशनली रिच ड्रॉट टॉरेंट वैरायटी है फेवाबीन की, कौन सी? स्वर्णा सुरक्षा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको मैंने वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय हिंद।